गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खगड़िया बिहार की कथा में प्रदोष का एक बिल्कुल नया उपाय बताया था, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह उपाय आपको कब करना है पहले आप यह समझ लीजिए। इस सावन की प्रदोष में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि यह सावन की प्रदोष का विशेष उपाय है। सावन की प्रदोष की शुरुआत 14 जुलाई को शाम को 7:17 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन मतलब 15 जुलाई को रात्रि के 8:32 तक रहेगी। तो आप इस समय के बीच में यह उपाय कभी भी कर सकते हैं। यह उपाय प्रदोष काल का है, तो यह उपाय आप शाम को करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप 14 जुलाई को शाम को 7:17 के बाद भी यह उपाय कर सकते हैं, या फिर आप 15 जुलाई को शाम को 6 के बाद भी यह उपाय कर सकते हैं। शाम को 6 से 8 के बीच में यह उपाय आप कर सकते हैं। अब पहले यह समझ लीजिए कि यह उपाय कैसे करना है। गुरुजी ने बताया था, जिनके जीवन के कष्ट समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हों, एक के बाद एक परेशानी सामने आके खड़ी हो जाती हो, एक बीमारी से उठे नहीं कि दूसरी बीमारी लग जाती हो, एक कमाते हो सवा खर्च होते हो, घर में पैसा रुकता नहीं हो, कर्जा बढ़ते चले जाता हो, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय गुरुजी ने नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा है कि आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक लगाना शुरू कर देना है। पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है। इस दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, घी का उपयोग करना है, और जो लौ रहेगी दीपक की वह बेलपत्र के वृक्ष की ओर होना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी 11 कर सकते हैं। बेलपत्र का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, मतलब वह आपके बेलपत्र के वृक्ष के सामने हाथ ऊपर करने से भी ऊंचा हो, मतलब आपसे बहुत ऊंचा होना चाहिए, उसकी छांव आप पे आए, ऐसे ही बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको यह उपाय करना है। इसके बाद दूसरा जो दीपक रहेगा उसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार में लगाना है। आप घर की ओर मुख करके रहें और ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें दीपक की जो लौ रहेगी घर के बाहर की ओर होगी। यह हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि घर के बाहर से महादेव हमारे घर में प्रवेश करें और हमारी सभी समस्याओं का अंत करें। यह प्रदोष के दिन प्रदोष काल का एक विशेष उपाय है, जिसे आप इस सावन प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न उपाय से संबंधित, तो वे प्रश्न आप कमेंट के लिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।